सोलन में नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोलन पुलिस करीबन प्रत्येक दिन नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। यही कारण है कि सोलन पुलिस अधिकारियों को हिमाचल रक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुलिस ने एक नहीं बल्कि चार स्थानों पर नशे के तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचाने में कामयाबी हासिल की है। नशे के साथ पकड़े गए व्यक्तियों के पास से चिट्टा और चर्स भी बरामद की गयी है। सोलन में नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोलन पुलिस करीबन प्रत्येक दिन नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। यही कारण है कि सोलन पुलिस अधिकारियों को हिमाचल रक्षक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज भी पुलिस ने एक नहीं बल्कि चार स्थानों पर नशे के तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। नशे के साथ पकड़े गए व्यक्तियों के पास से चिट्टा और चर्स बरामद की गई है। फिलहाल सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस उम्मीद कर रही है कि जल्द ही और भी तस्कर उनकी गिरफ्त में होंगे। पकड़े गए नशा तस्करों के बारे में खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि सोलन पुलिस ने कोटला नाला, जुणाजी रोड, सब्जी मंडी और कंडा घाट से नशे के साथ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रोहड़ू के क्षितिज घाटा से 1.23 ग्राम चिट्टा, सोलन के सन्नी कुमार से 2.73 ग्राम चिट्टा, चौपाल के भूपेंद्र मेहता, नरेश मेहता, पंकज काल्टा से चर्स बरामद की, वहीं कंडा घाट के नरेश कुमार से 7.67 ग्राम चरस बरामद की है। उन्होंने बताया कि सभी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि SP सोलन के निर्देशों के अनुसार नशे के खिलाफ उनका विशेष अभियान जारी है और उन्हें सोलन वासियों का बेहद सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते वे जल्द ही नशे के काले कारोबार को खत्म करने का प्रयास करेंगे। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की जो मुहिम है वो SP सर की लीडरशिप में लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछली रात को चार केसेस NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट केस है वो चिट्टे से रिलेटेड है, ये सदर पुलिस स्टेशन सोलन में हुआ है। इसमें एक लड़का है जिसका नाम क्षितिज धारटा है और ये रोहड़ू का रहने वाला है, 23 साल इसकी एज है। इससे 1.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। जो दूसरा केस है उसमें एक मिस्टर सन्नी कुमार है जो कि धोबी घाट सोलन का ही रहने वाला है, 31 ईयर्स ओल्ड इसकी एज है। इससे 2.73 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। तीसरे केस में SIU की टीम ने तीन व्यक्ति हैं, ये बेसिकली चौपाल के रहने वाले हैं, जिनमें भूपिंदर मेहता जो कि लगनेट चंबी का रहने वाला है चौपाल का, 34 साल, पंकज काल्टा जो 23 साल का है, और एक नरेश कुमार जो भी 23 साल का है और चौपाल का ही रहने वाला है। इनसे 712 ग्राम चरस बरामद की है। इसी तरह से चौथे केस में एक मिस्टर नीरज शर्मा है जो कि वाकना घाट का रहने वाला है। इससे 7.67 ग्राम चरस बरामद की गई है कंडा घाट थाने में और साथ में 20,000 रुपए कैश भी था इसकी गाड़ी में। इन चारों केसेस में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो NDPS का मटेरियल है इसको सीज किया गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन केसेस में चल रही है।